हमेशा कान भी गिनो तो। तो क्या आज तुम मेरे साथ काम पर आना पसंद करोगे? करूंगा, ये तो कमाल का आइडिया है। जब मेरे पिताजी मुझे पहली बार फैक्ट्री लेकर आए तब मैंने भी यही कहा था। मैंने ये शब्द कमाल नहीं इस्तेमाल किया था, बस उतना ही। थैंक यू। जाओ बेटा, सब कुछ देखो। है ईस्टर फैक्ट्री में। यहीं हम बनाते हैं सब कैंडी और एग्स और पहुंचाते हैं संसार के बच्चों को। ये बहुत ही इंप्रेसिव है ना? ये कमाल का है डैड। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आई, क्योंकि एक दिन ये सब तुम्हारा होगा। सचमुच? चलो भी बेटा, कितना कुछ देखना बाकी है। डैडी, आप इस चीज को जादू कहते हैं क्या? ये मार्शमेलो चिक मशीन है, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। जब मेरे ग्रैंड डैड, जो मुझसे पहले ईस्टर बनी थे, वो मुझे इसी टूर पर लाए थे। हेलो नन्हे बॉनी, तुम ये क्या कर रहे हो? हम कैंडी नहीं खाते, हम कैंडी बनाते हैं। मैंने सोचा ईबी, ये मेरे सेकंड इन कमांड है कार्लोस। सब ठीक तो चल रहा है कार्लोस? ईबी चख रहा था, ये अच्छी बात नहीं बेटा। हाँ, मैं तो स्वाद चख रहा था, ये बढ़िया है। खैर, ओ डियर मी, नहीं ना 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 बेटा, मुझे तुम्हारे टेस्ट पर काम करना होगा। कार्लोस, इसमें मार्श बहुत है, मैलो बहुत कम है। सही कह रहे हैं सर, मैं यही कहने वाला था। फेल, बहुत ज्यादा मस्त मैलो काफी नहीं। हाय बॉय, काम पर नाश्ता मना है, तुम्हें पता नहीं? यस सर, मैं बहुत बुरा हूँ। हाय, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं व्यक्तिगत स्तर पर इससे निपटूंगा। हाँ, वैसे ईस्टर आने ही वाला है कार्लोस, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जी सर। याद रखना ईबी, हम कोई गलती नहीं कर सकते, पूरी दुनिया हम पर निर्भर कर रही है। ये तो बहुत मुश्किल लगता है डैडी, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। ओ चलो भी, तुम चिंता मत करो बेटे। हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर तुम तैयार हो जाओगे, तुम्हें होना ही पड़ेगा। कुछ ही साल में तुम एग ऑफ डेस्टिनी उठाओगे और ईस्टर बनी की जादुई शक्तियाँ हासिल कर लोगे। आओ चलते हैं। बाय कार्लोस। ओके, जाओ, फिर मिलते हैं। अपनी विशेषाधिकार वाली जिंदगी के मजे लो।